विजिट ऑफ इंडिया की जिस भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को देखो, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, जिसका इनकी ये बकचोदी देखकर ये रिएक्शन था, मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको नुगाने में खिले ठोक दूंगा, पेड़ में टायर में ठीक। और दूसरी तरफ इनकी इंडियन ऑडियंस खुश की पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया का विजिट कर रहे हैं, और जैसे ही लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया चूना लगा दिया, मतलब भाई बंदों ने 4x4 के रूम में बैठकर पूरे इंडिया का विजिट कर डाला। यह कुछ चमन चूती है भारतीयों का चहिता पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो, जो एक तरफ तो यूट्यूब पर इंडिया से अच्छे संबंध बनाने की बात करता है और दूसरी तरफ फेसबुक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और साथ में जिहादी का फोटो भी लगा हुआ है। क्या रे भिकमंगिया, हवाई क्या भाई? ये मत सोच लेना कि ये फर्जी पोस्ट है, इसके यूट्यूब पर दिए गए एफबी लिंक पर ही क्लिक किया है। और जब मैं इसके एफबी पेज पर पहुँचा तो देखा मतलब भाई इन बंदों की हराम जादगी देखो, बंदों को इंडिया को लानत भी भेजनी है, बॉलीवुड का बॉयकॉट भी करना है, मोदी जी की ऐसी तैसी भी करनी है, भारतीय फौज पर कमेंट भी कसना है, और साथ ही साथ इनको व्यूज भी किससे चाहिए होते हैं, इंडिया से। बड़े हरामी हो। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि इन झोपड़ी वाले जिहादियों को भारतीय लोग भर भर के व्यूज भी दे देते हैं। तो दोस्तों आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है ट्वीब रो ऑफिशियल चैनल का, और ये एक रोस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप लोग हेडफोन लगाना मत भूलना वरना कहीं से भी उड़ता हुआ चप्पल पड़ सकता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है जिसको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर रिसर्च करके बनाया गया है, कृपया वीडियो को धैर्य से और पूरा देखें। वीडियो में दी हुई जानकारी को सभी भारतीय लोगों को जानना अति आवश्यक है, और अगर इस वीडियो से किसी पोर्की या भारत में बैठे किसी पाकिस्तानी लवर की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो वो अपनी भावनाओं की बत्ती बनाए और 56 इंच अंदर अपने पिछवाड़े में डाल ले और दफा हो जाए। हेलो, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स द्वारा फर्जी रिएक्शन की बार तो पहले ही आई हुई थी, अब उनके द्वारा एक नई सुनामी आई हुई है, और वो सुनामी है माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया की। जिस भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को देखो, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, अब एक तरफ में जिसका इनकी ये बकचोदी देखकर ये रिएक्शन था, मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको नुगाने में खिले ठोक दूंगा, पेड़ में टायर में ठीक। और दूसरी तरफ इनकी इंडियन ऑडियंस खुश की पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया का विजिट कर रहे हैं, और जैसे ही लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया चूना लगा दिया, मतलब भाई बंदों ने 4x4 के रूम में बैठकर पूरे इंडिया का विजिट कर डाला। कोई गुजरात का विजिट कर रहा है तो कोई दिल्ली का, कोई हरियाणा का विजिट कर रहा है तो कोई हैदराबाद का। और हद तो भाई तब हो गई जब बंदों ने वीडियो के टाइटल में यही लिख डाला, हेलो इंडिया, आई मीन न्यू दिल्ली। और अगर वीडियो देखकर दिल्ली वासी तूने के मेरे को ये ना समझाई गया। और ये हाल सिर्फ इसका नहीं है, पाकिस्तान के सभी रिएक्शन चैनल्स का ही यही हाल है। बंदे 4x4 के रूम में बैठकर वीडियो बना रहे हैं और लोगों का चूतिया काटने के लिए वीडियो का टाइटल हेलो इंडिया आई मीन मुंबई। भाई इन बंदों का बस चले तो चार दीवारी में बैठकर मून मार्स सन यहाँ तक कि ब्लैक होल तक का विजिट कराएं, और इतना सब चुतियापा करने के बाद यूट्यूब पर वीडियो डालकर कहें ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। अब भाई एक तरफ ये बंदे इंडिया से प्यार मोहब्बत अमन शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन पोर्कियों की हकीकत इंडियंस के लिए जो पैगाम है उनके लिए वो एक मैं शेर में बयान करूंगा, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, गज़वे हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। मतलब बंदों को यूट्यूब पर व्यूज खाने के लिए इंडिया की तारीफ में फटे भी जाना है और दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद भी करना है। और भाई ये कोई और नहीं है जो इस तरह की पोस्ट कर रहा है, ये है कुछ चमन चूती है भारतीयों का चहीता पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो, जो एक तरफ तो यूट्यूब पर इंडिया से अच्छे संबंध बनाने की बात करता है और दूसरी तरफ फेसबुक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और साथ में जिहादी का फोटो भी लगा हुआ है। क्या रे भिकमंगिया, हवाई क्या? भाई ये मत सोच लेना कि ये फर्जी पोस्ट है, इसके यूट्यूब पर दिए गए एफबी लिंक पर ही क्लिक किया है। और जब मैं इसके एफबी पेज पर पहुँचा तो देखा मतलब भाई इन बंदों की हराम जादगी देखो, बंदों को इंडिया को लानत भी भेजनी है, बॉलीवुड का बॉयकॉट भी करना है, मोदी जी की ऐसी तैसी भी करनी है, भारतीय फौज पर कमेंट भी कसना है, और साथ ही साथ इनको व्यूज भी किससे चाहिए होते हैं, इंडिया से। बड़े हरामी हो। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि इन झोपड़ी वाले जिहादियों को भारतीय लोग भर भर के व्यूज भी दे देते हैं, जबकि इन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स का भारत के लिए प्रेम। अब भाई ये पोस्ट देखो, इंडियन आर्मी चीफ का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान, वजीर आजम इमरान खान का जंग के बाद ताजमहल को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान, मतलब बंदों को न सिर्फ गजवाए हिंद करना है बल्कि ताजमहल पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी में तब्दील भी करना सपना है। सुन सुन बेटे, बात सुन,
अरे तेरी बहन का जिहादी मारू, एक वक्त की रोटी के लिए एक दूसरे को उड़ा रहे हो। मुल्क का मुगले आजम भीख मांगता फिर रहा है, खुद का अगर खुद इंडिया से ब्यूज की बदौलत चल रहा है, और तुम्हें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, जबकि इन पोर्कियों के मुल्क की हालत। अबे साले, आटे के लाले पड़े में, आटे के लाले पड़े में, आटे के लाले पड़े में, जिंदा कौन। भाई लोग पूरा सॉन्ग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या यूट्यूब पर सर्च करें ट्यूबरो म्यूजिक। जलवा है हमारा। भाई इस बंदे के एफबी पेज पर नजर डालोगे तो इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हुए पोस्ट से भरी हुई है, लेकिन अगर इनके यूट्यूब चैनल की वीडियो देखोगे तो आप कहोगे मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो तुम ये उमर उस निकला। भाई ये सिर्फ हरामी नहीं है, ये साले मादर भी हैं जो फर्जी रिएक्शन के नाम पर इंडियन लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, और कुछ इंडियन लोग हैं कि इन बंदों को अपना मसीहा मान बैठे हैं। जरा भी कुछ हो जाए बंदे इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। और भाई मैं गारंटी दे रहा हूं इन बंदों की असली औकात सामने लाने के बावजूद भी कुछ इंडियन बंदे अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे इन्हीं का वीडियो ही, चाहे ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल इंडिया के खिलाफ कितना भी जहर क्यों ना उगल दें। और क्यों? क्योंकि दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर चाहे ये जो करें, लेकिन YouTube पर तो इंडिया पाकिस्तान के अच्छे संबंध की बात कर रहे हैं। अबे अकल के अंधों, ये इंडिया के खिलाफ YouTube पर बोलेंगे ही क्यों, जब इंडियन लोगों से इनकी भर भर के कमाई हो रही है। बात तो अपने सही पैरों है। पर हथौड़ा थोड़ी मारेंगे। और भाई तुम्हें एक बात बताओ, पाकिस्तान से अच्छे संबंध करने की तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी खुजली क्यों मची हुई है? जिन देशों से पाकिस्तान के अच्छे संबंध है वो देश कौन सा पाकिस्तान से खुश है? तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? भाई इतिहास गवाह है, पाकिस्तान से जिसने दोस्ती की वो हमेशा नुकसान में ही रहा है, फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। अब चीन, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों को ही देख लो, बंदे हर साल पोर्कियों को अरबों डॉलर्स की भीख देते हैं, और इन देशों को पाकिस्तान से बदले में कितने रुपए मिलते हैं? जीरो, शून्य, एकदम शून्य। और यही हाल है पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स का। इंडियन एड का रुपया यूट्यूब के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसको ये इंडिया के खिलाफ ही आतंकवाद फैलाने में लगाते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ भारतीय लोग जो इनकी वीडियो धड़ल्ले से देखते हैं। भाई मेरा इन पाकिस्तानी जिहादी रिएक्शन चैनल पर तो खून खोलता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुंदस आती है उन भारतीय लोगों पर जो इनकी फर्जी रिएक्शन वीडियोस देखकर इनकी डॉलर्स में कमाई कराते हैं, जबकि यही पोर्की इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर तेरा मेरा क्या अरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई इनकी वीडियोस देखने वाले भारतीय लोग तुम ये बताओ कब खून खोलेगा रे तेरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अगला पार्ट आएगा, सेम ऐसा ही एक भाई ने कमेंट में भी कहा था, फटाफट ये रोस्ट करो तो तुमको दूसरा रोस्ट मिलेगा। तो भाई तू एक बात बता, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? भाई ये तो अभी शुरुआत है, बस देखते जाओ, एक एक करके हम तुम इन बंदों को मिलकर पेलेंगे, क्योंकि पोर्कियों को इनकी औकात दिखाने की। तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो समाप्त होता है, एंड यार ये जो वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं यार, मतलब क्या खतरनाक रोस्टिंग करते हैं, इनके रोस्टिंग देख करके मेरे बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। तो उस वीडियो का तो लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के इनकी और वीडियोस को चेकआउट कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ वापस। जय हिंद।